Hello friends, welcome to our YouTube channel of Samrat Technologies. In today's session, we are discussing about identifiers. Dear friends, C programming is a natural language like other languages like a Hindi language or a English language. Dear friends, जैसे कि आप बाकी languages को cover करने के लिए उनके बिल्कुल basic से start करते हैं. सबसे पहले आप उनके लिए words बनाना सीखते हो, फिर आप उनके लिए sentence बनाना सीखते हैं और उसके बाद उस लैंग्वेज में आप एक पैराग्राफ राइट करते हैं, तब आपको उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. इसी तरह से डियर, हम सी प्रोग्रामिंग में भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. डियर, सी में आप जैसे अपने कीबोर्ड में बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, ए से लेकर जेड तक, और न्यूमेरिकल देखते हैं और काफ़ी सारे सिम्बल्स देखते हैं. उन सबको मिलाने के बाद आप जो वर्ड रेडी करते हैं, दैट वर्ड्स आर कॉल्ड द आइडेंटिफायर इन अ सी प्रोग्रामिंग. तो डियर, उन आइडेंटिफायर्स के ज़रिए आप जैसे भी प्रॉपर एक सेंटेंस बनाते हैं, जो भी आप लाइंस बनाते हैं, उनको अलग अलग अकॉर्डिंग टू द मीनिंग हम कैटेगराइज करते हैं. तो आज हम थ्री कैटेगरीज की ही बात करेंगे. वन इज़ द कॉन्स्टेंट, सेकेंड इज़ द वेरिएबल एंड थर्ड वन कैटेगरी इज़ द कीवर्ड. डियर, जब आप एक प्रोग्राम को राइट करते हैं, उसमें आप बहुत सारी लाइन्स के ऊपर काम करते हैं. उन्हीं लाइन्स में से वो लाइन्स एक इंस्ट्रक्शन का काम करती हैं. तो वो इंस्ट्रक्शन इन चारों में से कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे कि डेटा टाइप डिक्लेरेशन हो सकता है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हो सकता है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हो सकता है और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होता है. इन सभी लाइंस के अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन उसके प्रोग्राम के अंदर मैच होती है, अकॉर्डिंग टू दैट आपका एक प्रोग्राम रन होने के लिए रेडी है. तो डियर, अभी हम बात करेंगे व्हाट अबाउट कॉन्स्टेंट्स. तो डियर, जैसे कि आपको पता ही है, आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि व्हाट अबाउट कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट आपके अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, दैट आर दोज वैल्यूज दैट वी कांट चेंज. डियर, कोई भी डेटा है, कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट में बेसिकली हमारे पास टू कैटेगरीज हैं, द वन इज प्राइमरी एंड अदर वन इज द सेकेंडरी. अभी हमारे लिए जो नेसेसरी है, जिसको हमें समझना है, दैट इज द प्राइमरी. एंड जिसमें हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं, द वन इज इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर. द अदर वन, दैट इज द सेकेंडरी, जिसमें हमारे पास आता है एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर एंड इनमरेशंस. डियर, सेकेंडरी की अभी हमें आज के सेशन के लिए तो ज़रूरत नहीं है. आज हम पहले प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स को ही अंडरस्टैंड करेंगे. सबसे पहले प्राइमरी कॉन्स्टेंट में हम बात करेंगे इंटीजर कॉन्स्टेंट की. इंटीजर कॉन्स्टेंट आपके बेसिकली एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. उस न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें कोई डॉट नहीं होता, कोई स्पेशल सिंबल नहीं होता, 2, 3, 4, 5, दैट आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड द इंटीजर वैल्यूज. जैसे कि यहाँ पे हम बात करें -22, 38, 0, एनी अदर नंबर, दैट इज कॉल्ड द इंटीजर वैल्यू. डियर, सेकेंड वन हमारे पास होता है रियल. रियल इट मीन्स फ्लोटिंग वैल्यू, जिसमें हम डॉट यूज करते हैं, जैसे कि डेसिमल पॉइंट यूज होता है, 22.4, 3.59, -0.62, 2.0. तो डियर, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ आपकी रियल वैल्यूज़ हैं. 2.0 को अगर मैथमेटिक्स में देखें तो वहाँ पे हमारे लिए बैक पे जो हम जीरो लगाते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है, बट सी प्रोग्रामिंग एक एड्रेस काउंट करती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे इसका प्रॉपर यूज़ होता है. तो 2.0 यहाँ पे एक रियल वैल्यू का काम कर रही है. तो डियर, इसी तरह से थर्ड वन, दैट इज़ द कैरेक्टर. कैरेक्टर बेसिकली उस तरह की वैल्यूज़ होती हैं जो हम सिंगल क्यॉट्स में सिंगल कैरेक्टर को हम यूज़ करते हैं. जैसे कि आप सिंगल क्यॉट में कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, कोई नंबर यूज़ कर सकते हो, कोई सिंबल यूज़ कर सकते हो, कोई ब्लैंक स्पेस यूज़ कर सकते हो, कुछ भी, जहाँ पे आप एक वर्ड कुछ भी आप देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कैरेक्टर. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक अल्फ़ाबेटिक नंबर यूज़ किया बी सिंगल क्यॉट्स में, और यहाँ पे मैंने एक यूज़ किया सिंबल प्लस, यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस यूज़ किया, यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल यूज़ किया, दीज आर कॉल्ड द कैरेक्टर. डियर, कैरेक्टर जो है वो सिंगल क्यॉट में ही अपना एड्रेस लोकेट करेगा. अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं यूज़ करूँ -5, दैट इज़ नॉट द कैरेक्टर वैल्यू, बिकॉज उसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, एक माइनस एक फाइव, तो ये कैरेक्टर नहीं है. कैरेक्टर सिर्फ एक ही होता है, या वो सिंपल हो सकता है या वो नंबर हो सकता है. इसी तरह से डियर, यहाँ पे जैसे 2.3, तो 2.3 में भी ये कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल डॉट भी यूज़ हो रही है, तो एक ही नंबर हम यूज़ कर सकते हैं. तो डियर, यहाँ पे जैसे मैंने सिंगल क्यॉट्स में यूज़ किया शीनू, ये भी गलत है. एक्चुअल में अगर मुझे प्रॉपर एक वर्ड जो है प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे यूज़ करने होंगे डबल क्यॉट्स. इसको हम स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं. डबल क्यॉट्स का बेसिकल जो यूज़ है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के लिए यूज़ होता है.
तो डियर इसी तरह से अगर कोई पर्सन आपसे पूछता है व्हाट अबाउट योर एज, सो दैट इज द इंटीजर वैल्यू, क्योंकि एज आपका डेसिमल में तो हो नहीं सकता, जैसे 24 हो, 23 के हो, 22 के हो, दैट इज द इंटीजर वैल्यू। और ऐसे ही अगर कोई पर्सन आपसे पूछता है कि आपके मोबाइल में बैलेंस कितना है या आपका रिचार्ज कितने का करना है, तो वो डेसिमल पे भी हो सकता है, जैसे कि उसमें वैल्यू हो सकती है 7.8, तो वो रुपीस एंड पैसे दोनों की कैलकुलेशन को ऐड करके बन रही है, तो वो वैल्यू आपकी अकॉर्डिंग टू दैट आपकी रियल भी हो सकती है। अगर कोई पर्सन ये पूछता है आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ रहते हो, दैट इज़ योर स्ट्रिंग वैल्यू। तो डियर इसी तरह से आपके पास प्रॉपर एक कॉन्स्टेंट टाइप्स को आप यूज़ करते हैं। अभी आपसे कोई पर्सन ये पूछता है आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, 5 मेम्बर्स हैं 7 मेम्बर्स हैं, दैट इज़ योर करेक्टर वैल्यू। तो डियर ये थी हमारी कॉन्स्टेंट टाइप्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बेसिकली इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप बात कर सकते हो। वेरिएबल्स प्रॉपर में फर्स्ट करेक्टर जो आप यूज़ करेंगे एक अल्फ़ाबेट के जरिए ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली डियर जो वेरिएबल्स हैं दैट आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन जहाँ पे आप डाटा अपना स्टोर करने जा रहे हो। वेरिएबल नेम कोई अल्फ़ाबेट डिजिट और अंडर स्कोर को कंबाइन करके यूज़ किया जाता है। एक प्रॉपर वेरिएबल जो आप यूज़ करते हैं वो कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। लाइक जैसे हम बात करें इंट इंटीजर ए, तो वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से। फ्लोट ए, फ्लोट बी, फ्लोट सी, तो ए बी सी दीज आर द वेरिएबल नेम्स जो पर्टिकुलर एक नेम से ही स्टार्ट होंगे, ए बी और सी से। इनमें कोई भी कोमास, ब्लैंक स्पेस ये सब अलाउ नहीं है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कीबोर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब है जो भी पर्टिकुलर हम सी प्रोग्रामिंग में रिजर्व वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे ऑटो यूज़ करना है, ब्रेक यूज़ करना है, करेक्टर आप यूज़ करते हैं, इंटीजर आप यूज़ करते हैं, फ्लोट आप यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग आप यूज़ करते हैं, हर एक प्रॉपर वर्ड का एक प्रॉपर रिजर्व मीनिंग है, दैट आर कॉल्ड द कीवर्ड। सी प्रोग्रामिंग में डियर टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। आपको सभी अभी लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रोग्राम करोगे, जैसे जैसे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपको ये सारे कीवर्ड्स लर्न हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया है। तो डियर जो ये बेसिक सी प्रोग्राम है इसमें मैंने अभी कोई भी इंस्ट्रक्शन ज़्यादा फॉलो नहीं किया। इसमें मैंने सिंपल एक प्रिंट कमांड को ही यूज़ किया हुआ है, जिसमें मैंने सबसे पहले इसका मैं आपको यूजिंग बता देती हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले यूज़ किया है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉर्नियो डॉट एच। डियर ये जो है आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज हैं, हेडर फाइल्स हैं, स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल एंड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। डियर वाइड मीन आपका एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। वैसे फंक्शन सी में काफ़ी सारे हैं, बट वो फंक्शन के चैप्टर में ही हम डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ इतना याद रखिए कि void main is the predefined function जो by default हम C में use करते हैं functions में। इसके बाद dear मैंने अपनी curly braces को शुरू किया है, then मैंने program में जो भी line मुझे print करना है उसको मैं print कर रही हूँ। तो हम इसका एक बार practical करके देखते हैं। practical के लिए dear मैं Dev C++ को open कर लेती हूँ। आपके पास कुछ इस तरीके से screen open होगा। यहाँ पे मैं use करूँगी file में new सोर्स फाइल। तो डियर इस तरह से मेरी ये फाइल ओपन होगी। यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम का कोड जो है राइट कर रही हूँ, इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main curly brackets printf This is my first program. Printf के लाइन को क्लोज करने के लिए हम यूज करेंगे सेमीकोलन गेट सी एच। ये आपका कीबोर्ड से इनपुट लेने का काम करता है। चलिए हम प्रोग्राम को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल में जाएंगे। जहां भी आपको अपना प्रोग्राम सेव करना है, जैसे मैंने यहां से अपने प्रोग्राम का नेम दिया ए ए, और यहाँ से मुझे एक्सटेंशन चूज करना है सी सोर्स फाइल सेव। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। यहाँ पे आपको शो करेगा एरर वार्निंग सब जीरो है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप एग्जीक्यूट में जाएंगे, रन करेंगे, तो आपको ये आउटपुट शो हो जाएगा।
तो डियर इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल जो बेस प्रोग्राम है सी का प्रिंटिंग का वो आप रन कर सकते हैं। तो इस तरह से डियर नेक्स्ट जो हमारा जो सेशन वीडियो होगा उसमें और प्रैक्टिकल्स के बारे में हम वर्कआउट करेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।